बाहर से आने वाले श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम मिलना चाहिए, फिर चाहे इसके लिए उनको गांव के संपन्न किसान के खेत में ही काम क्यों ना देना पड़े। साथ ही बाहर से आने वाले श्रमिकों को उनके काम के अनुसार रजिस्टर बनाकर रजिस्टर करना चाहिए, जिससे वक्त पड़ने पर इनको वही काम दिया जाए जो वह करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। मनरेगा का काम देख रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मैं बात करूंगा, जो कि मध्य प्रदेश के ही हैं। रीवा के मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जागरण भोपाल के डायरेक्टर और रीवा के स्थानीय संपादक से कहा। आइए आपको सुनाते हैं संजीव मोहन गुप्त और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच की बातचीत के प्रमुख अंश। भाई, मैं संजीव मोहन बोल रहा हूँ। संजीव, कैसी तबीयत तुम्हारी? बिल्कुल अच्छा हूँ, एकदम फिट। अच्छा, गुड गुड, ख्याल रखो। मैंने जो इस पूरे लॉकडाउन में देखा है, और लॉकडाउन खुलने के बाद जो श्रमिक जो डेली वेजेस वाले थे वो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए हैं, और एकमात्र भाजपा के पास एक योजना है, वो है मनरेगा। जो मनरेगा की इतनी बुराई करते थे, जो 40-40 मिनट पार्लियामेंट में भाषण देते थे, उनके पास मनरेगा के अलावा कोई दूसरी योजना नहीं है। और हालत यह है कि रीवा जिले में, वहां पर वो दिखाते 79,000 वर्कर अभी काम कर रहे हैं, और वहां पर माइग्रेट वर्कर 1,25,000 और आ गए हैं, जिसमें 70,000 उन्होंने अभी रजिस्टर कर लिए हैं, और वहां पर कोई काम अभी तक चालू हुआ नहीं है। तो इनके पास ऐसा कोई अल्टरनेट नहीं है, तो इसके लिए कांग्रेस को दबाव नहीं बनाना चाहिए कि इनको रोजगार दें ये लोग। निश्चित तौर पर संजू, आपने अच्छा प्रश्न किया है। बात यही है कि जिस महात्मा गांधी नरेगा को माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते मॉन्यूमेंटल एरर कहते थे जी, कांग्रेस पार्टी का, आज उसी के भरोसे रोजी रोटी गरीबों की चल रही है। मैं बधाई देता हूं सोनिया गांधी जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और तत्कालीन केंद्रीय सरकार को, जिन्होंने महात्मा गांधी नरेगा का कानून बनाया और जिसके भरोसे आज मजदूरों को काम दे रहा। लेकिन इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि कई जगह मीटिंग कहां लिखा दे, मशीनें चल रही है, मशीनों से काम चलाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस बारे में एक और सुझाव देना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को, हमारे प्रदेश के ही राजनेता हैं, महात्मा गांधी नरेगा देखते हैं। मेरा उनको सुझाव है कि किसानों के, वैसे हर गांव में इतना काम अब नहीं बचा है कि मिट्टी का काम हो सके और लेबर इंटेंसिव काम हो सके, अब कई गांव में ऐसी परिस्थिति बन गई है। इसलिए अब मेरा सुझाव ये है कि किसानों के खेत पर निंदाई गुड़ाई कटाई फकाई काम पर जो मजदूर लगाए जाते हैं उनको भी नरेगा के क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है। उस तरह से किसान को भी मदद मिलेगी और मजदूरों को काम भी मिलेगा। इसलिए इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि किसान के खेत पे काम करने वाले, निजी खेत पे काम करने वाले मजदूरों को भी महात्मा गांधी नरेगा में जोड़ा जाना चाहिए। शर्त यही हो कि जो रजिस्टर्ड है उन्हीं को काम पे लगाया जाए। हकाई है, निदाई है, गुड़ाई है, कटाई है, और उसकी उसके तैयार कर फसल तैयार करने का मजदूरी जो लगती है, उन सब के लिए इसको महात्मा गांधी नरेगा में जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, महात्मा गांधी नरेगा में ये कानून में प्रावधान है कि काम मांगने पर यदि काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो आपने जैसा बताया कि 75,000 काम कर रहे हैं और 1,25,000 पहुंच गए हैं, तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए अगर काम नहीं मिलता है तो, और यही समय है जबकि उनको मदद पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उनके जेब में जब तक पैसा नहीं जाएगा तो ये भूखों मरेंगे। लोग बाग भूख मर रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की न्याय योजना, और जो कांग्रेस पार्टी ने सुझाव दिया था कि आपके 20,00,000 के पैकेज में जो कि 90% जो है वो केवल कर्जा और बड़े लोगों के लिए है, उसमें कम से कम 7,500 रुपए प्रति माह दिसंबर तक उनके खाते में डलवा दीजिए ताकि वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। और मैं बधाई देता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, सरकार को, जो उन्होंने किसानों के और गरीबों और मजदूरों के खाते में 10,000 रुपए डाले, उन्हें मैं बधाई देता हूँ।
मेरा इसमें और ये आपसे एक निवेदन था कि रीवा जिले में जिस तरीके से माइग्रेंट लेबर्स आए हैं, मैंने वहां पर अखबार में भी लिखा और वहां कलेक्टर से भी बात करी कि आप जो लोग आ रहे हैं उनको आप रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर वो बंबई से आ रहा है तो वो वहां क्या करता था। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कारीगर है, कौन मिस्त्री है, कौन है। मैं सहमत हूं संजू इस बात से कि जो अनस्किल्ड लेबर है और जो सेमी स्किल्ड लेबर है और स्किल्ड लेबर है, तीन कैटेगरी हैं। इन तीनों को कैटेगराइजेशन करके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जहां जिसकी जरूरत पड़े उसको काम लगाना चाहिए। मूल बात यह है कि अगर लॉकडाउन के समय में उसे काम नहीं मिला तो पूरा परिवार भूखो मरेगा। ये वो लोग हैं जो कि अपनी कमाई कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, दिल्ली में करते थे और उससे इनका गरीबों का घर चलता था। आज हालात ये हो गए कि वो कमाई भी बंद हो गई, वो लोग वहां से लाए तो वो क्वारंटीन में पड़े हुए हैं, गांव वाले उन्हें घुसने नहीं दे रहे हैं, बहुत संकट काल में ये लोग गुजर रहे हैं। इसलिए जो कांग्रेस ने सुझाव दिया है, तत्काल उनके खातों में 7,500 रुपए डलवा दे दिसंबर तक, कम से कम प्रति माह। अनलॉक के दूसरे चरण में ज्यादा एहतियात रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।